नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 1 जुलाई से रेलवे के 10 नियम बदल गए हैं और ये नियम आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्यों न क्यों कभी न कभी आप यात्रा ज़रूर करते हैं और जब यात्रा करते हैं तो जो बदले हुए नियम है उन्हें जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि उन नियम कानून को आप अगर जानते रहेंगे तो आपकी यात्रा सरल, सुलभ और सुगम होगी। पहली चीज़ यह है कि वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो जाएगा। रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी। अन्य ट्रेनों में ये व्यवस्था भी लागू नहीं है, ये सिर्फ सुविधा ट्रेन में ही लागू की गई है। दूसरी जो सुविधा मिलेगी, जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50% राशि आप वापस पा सकेंगे। रेलवे 50% राशि वापस कर देगा। जुलाई से तत्काल टिकट के नियमों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। सुबह 10 से 11 बजे तक एसी कोच के लिए टिकट बुकिंग होगी, जबकि 11 बजे से 12 बजे तक स्लीपर कोच की बुकिंग होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी तत्काल टिकट एक साथ बुक होती थी, जिससे सर्वर पर इसका लोड पड़ता था और जब सर्वर पर लोड पड़ता था तो बहुत सारे लोग लॉगिन कर ही नहीं पाते थे। लॉगिन होते थे तो सर्वर एरर आ जाता था, इसलिए रेलवे ने एक अलग व्यवस्था कर दी है कि अब जो लोग एसी की टिकट चाहते हैं वो 10 से 11 बजे तक करेंगे तो 10 से 11 बजे तक सर्वर पे लोड कम रहेगा, और जब एसी वाले बुक कर चुके होंगे तो 11 से 12 बजे तक स्लीपर कोच की बुकिंग होगी। तो जो दोनों लोग सम्मिलित रूप से जब टिकट बुक करते थे उससे सर्वर पर ज़्यादा लोड आता था, अब सर्वर पर लोड कम होगा, इससे यात्रियों को आसानी होगी। जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा शुरू हो रही है। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर वाली टिकट नहीं मिलेगी, बल्कि आपके मोबाइल पर ही टिकट भेज दिया जाएगा। आपको कागज़ वाली टिकट कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही रेलवे अलग अलग भाषाओं में टिकटिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है। अभी तक रेलवे में हिंदी और अंग्रेजी में ही टिकट मिलती थी, लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब अलग अलग भाषाओं में टिकट की सुविधा दी जा सकेगी। रेलवे में टिकट के लिए हमेशा से मारामारी होती रहती है, ऐसे में जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों को रिजर्वेशन आसानी से मिल सकेगा। भीड़भाड़ के दिनों में रेलगाड़ी में बेहतर सुविधा देने के लिए वैकल्पिक रेलगाड़ी समायोजन प्रणाली, सुविधा ट्रेन शुरू करने और महत्वपूर्ण ट्रेनों की डुप्लीकेट गाड़ी चलाने की योजना है। रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाई जाएंगी। जुलाई से रेलवे प्रीमियम ट्रेनों की पूरी तरह से बंद करने जा रहा है। निश्चित तौर पर यह प्रयोग रेलवे का सफल नहीं रहा, जिसके कारण रेलवे प्रीमियम ट्रेन पूरी तरह से बंद कर दी है। सुविधा ट्रेनों में टिकट वापसी पर 50% किराए की वापसी होगी। इसके अलावा AC2 पर ₹100, AC3 पर ₹90, स्लीपर पर ₹60 प्रति यात्री कटेंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।